उत्तर भारत में गाढ़ धुम्मस ने कारण अकस्मात नी वणझार सर्जाई। उत्तर प्रदेश ना विभिन्न विस्तारों नी अंदर धुम्मस ने कारण अकस्मातों में 40 वाहनों अथड़ाया। हवामान विभागे चेतवनी आपी छे के आगामी बे दिवस हजू पण गाढ़ धुम्मस नु प्रमाण यथावत रहेशे। बरेली में मोटरसाइकल ट्रेक्टर साथ अथड़ाता बे महिला ना मौत थया, तो प्रयागराज जिला में मोटरसाइकल डंपर ट्रक साथ अथड़ाता अहीं पण बे युवानों ना मौत थया। उन्नाव में एक कंटेनर ट्रक साथ अथड़ाता त्रण बसों अने बे कार अथड़ाता एक व्यक्ति नु मौत थयुं। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में बागपत जिला नी अंदर एक वान ट्रक साथ अथड़ाता वान में सवार बे महिलाओं नु मौत थयुं छे। तो बीजी तरफ देश की राजधानी दिल्ली में पण सवारना समय गाढ़ धुम्मस छवायेलुं जोवा मळ्युं। गाढ़ धुम्मस ने कारण दिल्ली एरपोर्ट पर नी चार फ्लाइट जयपुर डायवर्ट करवामां आवी। गाढ़ धुम्मस ने कारण केटलीक ट्रेनों ने पण असर पहुंची छे। दिल्ली रेलवे स्टेशन आवनारी 25 जेटली ट्रेनों तेना निर्धारित समय थी मोड़ी चाली रही छे। काश्मीर में पण गाढ़ धुम्मस अने असह्य ठंडी यथावत छे। श्रीनगर में लघुत्तम तापमान -2.6 डिग्री सेल्सियस नोंधायुं छे, तो पहलगाम में तापमान -4.6 डिग्री नोंधायुं छे। साइबरसिटी गुरुग्राम में ठंड का सितम जारी है और गुरुग्राम के तमाम इलाकों में सफेद रंग की चादर धुंध की नजर आ रही है। आपको बता दें कि बीते दो दिनों से कोहरे का कोहराम गुरुग्राम में मचा है, तो वहीं गुरुग्राम शहर की सड़कों में विजिबिलिटी जो है वो अब कम हो गई है। मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेसवे पर और आपको बता दूं कि द्वारका एक्सप्रेसवे के एलिवेटेड हिस्से को जरूर शुरू नहीं किया गया है, मगर जो नीचे का रोड है, सर्विस लाइन है, साथ ही जो मुख्य सड़क है नीचे की, वो प्रारंभ कर दी गई है। उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है धुंध की चादर जो है वो आप देख सकते हैं। स्कूलों की जो बसें हैं वो स्कूलों के बच्चों को लेने के लिए निकल रही हैं, मगर ऐसे में विजिबिलिटीज जो है वो काफी कम नजर आ रही हैं। हालांकि द्वारका एक्सप्रेसवे का ये दिल्ली की ओर का हिस्सा है, दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा क्योंकि दिल्ली की तरफ से यानी द्वारका की तरफ से होते हुए सीधा गुरुग्राम की तरफ जो आता है उस तरफ भी आप देख सकते हैं कि जो विजिबिलिटी है वो काफी कम नजर आ रही है। और ऐसे में साइबर सिटी गुरुग्राम के अगर तापमान की हम बात करें तो साइबर सिटी गुरुग्राम के अंदर जो न्यूनतम तापमान है वो आज के दिन 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, साथ ही मैक्सिमम जो तापमान है वो 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं गुरुग्राम जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी ऐसे में बढ़ते धुंध को लेकर के एडवाइजरी जारी कर चुकी है और ऐसे में डीसीपी ट्रैफिक ने भी ये जानकारी साझा की है कि जो लोगों के बड़े हैवी व्हीकल्स हैं उन हैवी व्हीकल्स के ऊपर रिफ्लेक्टर्स लगाएं, जिसकी वजह से धुंध के दौरान जो है पीछे से आ रही गाड़ी की लाइट पड़ने से रिफ्लेक्टर चमके और गाड़ी की लोकेशन का पता लग सके, साथ ही साथ दुर्घटना ना हो। तो ऐसे में साइबर सिटी के अंदर लगातार पड़ रहे इस धुंध के चलते अलग अलग विभाग अपने अपने तरीके से एडवाइजरी भी जारी कर रहे हैं, मगर गुरुग्राम की तस्वीर बीते दो दिनों से सफेद चादर में तब्दील होती नजर आ रही है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, एबीपी न्यूज़।